वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हब। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू शेयर इशू अदर देन कैश। अदर देन कैश मींस कि अभी तक आप लोगों ने शेयर इशू जब कर रहे थे तो उसके बदले क्या आपको मिलता था? कैश। बट हर जगह कैश ही बिजनेस में की नीड नहीं होती, क्योंकि बिजनेस कैश लेके क्या करेगा? उनसे जो होगा वो एसेट्स लायबिलिटीज अपनी क्या करता है, उनको लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है और एसेट्स को परचेज करता है। तो कभी कभी कुछ कंपनी होल्डर ऐसे होते हैं कि जिनसे एसेट्स लेना है उन्हीं को शेयर बेच दिया जाए, किसी से मजदूरी लेनी उनको शेयर दे दें, किसी को हम अब कई चीजें उनकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए उनको शेयर इश्यू कर दें। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कमीशन देने के बदले शेयर इशू कर सकते हैं, ऐसे कोई एक्सपेंसेस के बदले में अपने शेयर इशू कर सकते हैं। बट वो क्या हो, लार्ज अमाउंट में होगा तो शेयर इशू करेंगे, एक दो शेयर इशू नहीं किया जाता, उसी बोलते हैं अदर देन कैश। मींस उनसे कैश ना ले, ट्रांजेक्शन में दो साइड इन्वॉल्व होते हैं, कुछ मुझे मिलेगा और कुछ हम उसके बदले में देते हैं तो कैश में पेमेंट करते हैं। वन साइड ऑलवेज बिलोंगिंग इन द एवरी ट्रांजेक्शन एज अ कैश, और कैश के अलावा जब ना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर देन कैश। शेयर इशू करेंगे बट अदर देन कैश मींस तब क्या ले लेंगे? तो सर जो बैंक तब तो डेबिट होता था, उस कंडीशन में क्या होगा? अरे उस कंडीशन में मशीन डेबिट हो जाएगा सर, और कुछ कमीशन हो जाएगा और कुछ बेटा एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसी सब चीजें आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आज सबसे पहले चार पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। जब हम कोई एसेट्स को परचेज करते हैं तो आप लोग जनरली एसेट्स को परचेज करते तो क्या लिखते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे, कैश। अगर क्रेडिट पे ले आते थे तो क्या करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट सर उस क्रेडिटर का नाम, उसका क्रेडिटर तो होता नहीं था, जिससे हम लोग सर एसेट्स ले आते, वो पर्सन क्या कहलाता है? माल गुड्स जिससे परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट पे, उसको तो सर हम लोग क्रेडिटर कहते हैं, और जिससे हम लोग एसेट्स परचेस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेंडर। अगर नाम ना दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। तो मैंने वही लिखा, कुछ नहीं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। किस अमाउंट से, विद परचेस प्राइस, किससे, जो परचेस प्राइस, परचेस प्राइस मतलब इनवाइस, जो बिल बना होगा, बिलिंग प्राइस जो होगी उसी को हम लोग बोलते हैं परचेस प्राइस। क्लियर? अब देखो, बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, क्लियर। अब इसी के बदले में हम लोग क्या करते हैं, जितने का बिल बनेगा उसका फिर उसका हम लोग पेमेंट न करें, उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या दे देंगे, उसको शेयर दे देंगे। शेयर दे देते हो तो सर वन टाइम की एंट्री क्या पास करते थे हम लोग, सर वन टाइम हम लोग एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, कट गया तो क्या एंट्री बचा, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बचा। अब जब पैसा मिलता था तब, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, सर इशू कर देंगे। क्या इशू कर देंगे बेटा, शेयर इशू, शेयर। शेयर सर दो प्रकार से इशू किया जाता है, एट पार पे, एक क्या होता है एट पार पे, और एक क्या होता है प्रीमियम पे। सर एट पार क्या होता है, एट पार का मतलब जो प्रिंटेड प्राइस होगा, जो फेस वैल्यू पे शेयर इशू किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एट प्राइस पर। और प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब मोर देन द फेस वैल्यू शेयर कैन बी इशू, दैट इज नोन एज, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर क्रेडिट हुआ था, वेंडर क्या कर देंगे डेबिट, उसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर, उसी क्या करें, लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जितने का शेयर होगा, जितने की हमारी प्राइस होगी, अगर मेरी मान लो प्राइस जो हुई वो क्या हो गया, एक लाख का मशीन था, और हमारे शेयर का एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10। तो लोग पूछे कितना शेयर इशू किए सर, तब तो हमने शेयर कितना इशू कर दिए, तब तो सर हम लोग सिंपल सी बात है, हम शेयर कितना इशू करेंगे सर, 10,000 शेयर, क्लियर। और अगर एट प्रीमियम पे इशू करना पड़ा, तो एट प्रीमियम पे इशू करना पड़ा, तो मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपया हमने क्या ले लिया, प्रीमियम मिला कितना का, 20 रुपया। तो सर 1 लाख का शेयर था, हम लोग क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा सर, 5,000 शेयर का आ जाएगा। तो सर 5,000 × 10 कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में 50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका आ जाएगा 50,000, और पर वेंडर में कितना चला जाएगा, 1 लाख। प्रीमियम पे क्या एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर इशू टू वेंडर एट अ प्रीमियम, दैट इज क्लियर। सेम वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। अब हम लोग आते हैं बेटा इधर पॉइंट पे चलते हैं, अगर परचेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस,
किसी का बिजनेस ही परचेज कर लो, उसका वो नहीं चला पा रहा है, उसी का बिजनेस परचेज करो। जस्ट लाइक खुशी, खुशी का बिजनेस मान लो खुशी नहीं चला पा रही है, खुशी का हम लोग क्या की बिजनेस परचेज कर लिए, अब सब पैसा उसके सारे हम लोग क्या करेंगे, आप अभी परचेज करोगे इस समय लॉकडाउन में खुशी के जब बिजनेस को, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग बेटा, परचेज हम लोग क्या करेंगे सारे सन्डी एसेट्स, सारे उसके एसेट्स ले लेंगे, और खाली एसेट्स नहीं उसके हमको क्या लेना पड़ेगा, सारे लाइबिलिटीज को भी हमको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा सभी लाइबिलिटीज को भी लेना पड़ेगा। तो सारे एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, और उस एसेट्स की वैल्यू जो हमारे उसके बीच में एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, तो एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट्स, फिर उसके बाद रेट वाले को मत ध्यान दीजिएगा, फिर सारे उसकी लाइबिलिटीज को एग्रीड वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज की वैल्यू उसकी रहेगी वो उसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ले लेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे नहीं सर हम इतना लेंगे आपसे, उसी को हम लोग क्या करते हैं वेंडर, अभी वेंडर लिखेंगे क्योंकि उससे हम लोग बिजनेस को क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं, जैसे एसेट परचेज करते तो वैसे बिजनेस परचेज करेंगे वो क्या कहलाता है वेंडर कहलाएगा, तो बीइंग बिजनेस परचेज। अब देखो बेटा कैपिटल रिजर्व आएगा कि गुडविल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, मीन्स देखो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको क्या होगा लॉस होगा, बिजनेस को खुशी को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स कैसे आता है, देखो यहाँ भी नेट एसेट्स लिखे यहाँ भी नेट एसेट्स लिखे, तो नेट एसेट्स कैसे आता है सर, नेट एसेट्स का आपने बताया था वहां पे किसमें बेटा, इसको नेट एसेट बोलो या नेट वर्थ बोलो, वर्थ भी बोल सकते हो डब्ल्यू, यहाँ पर नेट वर्थ की जो मूल्य आया उसके बिजनेस का नेट मूल्य क्या आया, एसेट्स में से हम लोग क्या कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग एसेट्स में से इसको माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज को, हमारा क्या आ जाएगा नेट एसेट्स, क्योंकि आप लोग फार्मूला जानते हो, कौन सा सर फार्मूला बेटा वही फार्मूला, कैपिटल इक्वल क्या होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, और इसी को कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं नेट एसेट्स या नेट वर्थ के नाम से जानते हैं, तीन नाम हो गया कैपिटल बोलो या नेट वर्थ बोलो या नेट एसेट्स बोलो, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा उसी को, जब ये नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब कि जो हमको अगर नेट एसेट्स की वैल्यू परचेज कंसिडरेशन से क्या होगी, यहाँ इफ पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन, जितने का हम उसका बिजनेस खरीदने पे एग्री हुए हैं वो हमारा जो ये वेंडर का अमाउंट जो है वो, और नेट एसेट्स की वैल्यू जो है वो, अगर यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स, लिख सकते हो परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन, किससे हम लोग बात करते हैं, किससे हम लोग बात करते हैं नेट एसेट से, किससे नेट एसेट से, तो हमारा क्या आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा परचेज का मतलब खुशी को ज्यादा मिल रहा है उसकी संपत्ति से, उसकी एसेट से ज्यादा मिल रहा है, तो खुशी को क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, खुशी हंसने लगेगी, जब गुडविल आएगा तो क्या होगा चेहरे पे स्माइल रहेगी, क्लियर खुशी के। बट उसी केस में मैंने बोला इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन, परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन किससे नेट एसेट से, तो क्या आ जाएगा सर कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व को सर हम लोग कैसे बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये रोता हुआ चेहरा सर कैपिटल रिजर्व, हमारा जब कैपिटल प्रॉफिट आता है, कैपिटल प्रॉफिट कैसे आता है जब एसेट्स को बेचते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम की सुविधा, हाँ तो उसका यूज कहां किया जाता है सर कैपिटल लॉस के लिए, तो यहाँ बिजनेस बेच रहे हो तो बिजनेस रोज रोज तो बेचते नहीं हो, ये बिजनेस जब भी बेचा जाता है कभी काल ना खुशी तुम्हारी बिजनेस बेची जाएगी, तो उससे क्या होगा आपको कैपिटल लॉस, उस लॉस के लिए आप क्या करोगे कैपिटल प्रॉफिट जो बना के रखे रहोगे दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व जानते हैं, और उसी का यूज कर लोगे। मान लेते हैं आपका बिजनेस हमने खरीदने में हम कितने तैयार हुए 100 रुपए में, और मेरा नेट एसेट कितना है 80 रुपए, तो 20 रुपए आपका किस चीज का मिल रहा है, इसका मतलब आपके बिजनेस की वैल्यू थी, आपके बिजनेस की रेपुटेशन थी गुडविल की वजह से मिला, और अगर आपका मान लो बिजनेस हम 100 रुपए में खरीदने के तैयार हुए और आपके यहाँ एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी मान लेते हैं 130, तो मतलब 30 रुपए आपका क्या हो गया लॉस हो रहा है, और ये कौन सा लॉस है कैपिटल लॉस है, बिजनेस बार बार नहीं होता, एक बार लॉस हुआ बट लॉस दो टाइप के होते हैं, एक हमारा क्या होता है जनरल लॉस रेवेन्यू लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है, कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस की हम लोग भरपाई किससे करते हैं एडजस्टेड कैपिटल रिजर्व से, तो ये या जनरल कोई एक ही आएगा,
अब अमाउंट के अकॉर्डिंग आएगा, अमाउंट आप चेक कर लोगे सबका डाल के, परचेज कंसिडरेशन का इसका डाल के जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, अगर आपका ऊपर वाला आएगा ज्यादा, जैसे बता ना नेट एसेट्स कम रहेगा तो यहाँ हम लोग गुडविल डाल देंगे, अगर यहाँ ज्यादा रहेगा तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, जैसे मैंने नीचे बताया। हाँ, अब एंट्री कैसे पास करेंगे वेंडर से, बस हमको मतलब और सब बेकार हो गए, और सब क्या होते हैं बेकार, वेंडर से कोई एंट्री पास करनी है, वेंडर को पैसा देना है तो वेंडर के लिए लोग क्या करेंगे सेम वही एंट्री, दोनों यही एंट्री हो जाएगी, इसके बाद भी यही दोनों एंट्री लिख लेना। कौन सी एंट्री ये, पहले इशू ऑफ शेयर एट पार, पार बटो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब लोग क्या करते हैं, इसके दो मेथड और हम लोग उसको देखते हैं, लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो इससे बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन होता है, हु इज प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है जो कंपनी को क्या करता है इनकॉर्पोरेट कराता है, क्या कराता है इनकॉर्पोरेशन, या कंपनी का जो फॉर्मेशन कराता है, फॉर्मेशन मतलब प्रमोटर, वो प्रमोटर जो होता है जिसके मन में फर्स्ट टाइम आइडिया थिंकिंग्स आता है कंपनी डेवलपमेंट करने के लिए, उसके पास पैसा नहीं रहता, कंपनी का ऑनर कौन होते हैं शेयर होल्डर होते हैं, प्रमोटर क्या करता है उन लोगों से कलेक्ट करके चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, शेयर को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराता है, कंपनी को स्टार्ट करता है, ये सारा काम वो करता है, उसके कॉस्ट के लिए उसके बदले में हम लोग उसको क्या दे सकते हैं, उस जो सर्विस प्रोवाइड कराता है टू द कंपनी को, और कंपनी उसको क्या दे सकती है, क्या दे सकती है उसके अगेंस्ट में उसके उस सर्विस के बदले उसको क्या दे सकती है शेयर दे सकती है, अगर इंस्टेंट कैश दे दी तो खत्म हो गया, कैश नहीं दी तो उसकी क्या बोलते हैं सर्विस के नाम जानते हैं, इसीलिए बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस उसको नाम दे दो या फॉर्मेशन एक्सपेंस, दोनों बात तो फॉर्मेशन कराना है या इनफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, दोनों में से कोई एक भी अकाउंट डेबिट टू किसको दोगे प्रमोटर, अपने जेब से किया रहता है कंपनी का, उसमें खर्चा किया रहता है, फोटो स्टेट कराना, कॉपी कराना, ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंस पूरे होते हैं उसी को हम लोग जल्दी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के भी नाम जानते हैं, तो ये खर्चा कौन करता है कंपनी का, अगर वो जो प्रमोटर होता है अपने आप किया होगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या हो जाएगी कंपनी हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी प्रमोटर अकाउंट, इसलिए क्रेडिट कर देता है बींग अमाउंट ड्यू टू द प्रमोटर। अब हम लोग उसको क्या दे सकते हैं शेयर दे सकते हैं, पैसा ना दे अदर कैश में दे दे तो अदर कैश में जब देते हैं तो हम लोग एट पार भी दे सकते हैं, प्रीमियम पे देते हैं, एट पार पे देंगे तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, अगर हम लोग शेयर पे नहीं देंगे तो प्रीमियम पे देंगे तो हम लोग ध्यान देंगे प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा एक चीज ध्यान देना सिक्योरिटी प्रीमियम पे आपको शेयर सपोज करो यहाँ पे पेमेंट कितना करना था सर 10,000 रुपए, कितना था 10,000 पेमेंट करना था, कितना था बेटा 10,000 पेमेंट करना था, और हम लोगों का एक शेयर की प्राइस कितनी थी 10 रुपीज थी, तो अगर इस केस में पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर इशू टू द प्रमोटर तो आप क्या निकालोगे बेटा नंबर ऑफ शेयर इक्वल क्या होता है टोटल जो होगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अपॉन इस शेयर प्राइस, कितना होता है 10 × 10,000 कितना आ जाएगा 1,000 शेयर। अगर प्रीमियम पे हमने इशू किया होगा तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे मान लेते हैं 10 का था और हमने कितने पे इशू किया सर इसमें 12 रुपीज जोड़ देते कितने का इशू किया 12 का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए को क्या करना पड़ेगा अमाउंट उसको चाहे जैसे भी देना है 10,000 कितने शायद 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा 12 बैठ जाए 96.8 फिर कितना आया 4 से यहाँ 9 अब यहाँ क्या करूँ बेटा ऐसे आप डिवाइड कर लो 96 फिर यहाँ 4 आया फिर 12 से करोगे तो 12 × 3 = 36 फिर 3 ऐसे ही आएगा कितना आएगा बेटा 8333 मतलब 833 हो सकता है 0.33 को हटा देते हैं तो 33 या 34 मान लेंगे इतने शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं तो इतने नंबर ऑफ शेयर आए इसका एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में लिखेंगे शेयर कैपिटल लिखेंगे और एक बार इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो किस में लिखेंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे दैट इज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है हु पर्सन ऑफ अंडर राइटर या हु इज अंडर राइटर ऑफ द कंपनी। अंडर राइटर ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है इट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट
बाई विच ए पर्सन, कोई पर्सन किसके थ्रू कर किससे करता है, विद कंपनी के साथ, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैंने बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने होने चाहिए सर, 90% होने चाहिए इशूड शेयर्स के, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने आने चाहिए 90%। इन केस आपको जो प्रॉमिस करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 120 डेज के अंदर आपके शेयर्स मार्केट में बिक जाए और ना बिके, ये सब टोटल एग्रीमेंट कौन कर लेता है, जो पर्सन कर लेता है आपके शेयर्स को बिचवाने का, वही पर्सन आपका क्या कहलाता है, अंडर राइटर कहलाता है। जो भी पर्सन आपके शेयर का बिचवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है वही पर्सन आपका क्या कहलाता है, अंडर राइटर कहलाता है। और यहाँ अंडर राइटर की बात किया गया है, अंडर राइटर कौन हो सकता है, हु पर्सन क्रिएट या एग्रीड, हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाई विच ए पर्सन, कोई भी अंडर राइटर मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बाई विच ए पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्री यूजली फॉर द कमीशन टू टेक द शेयर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अगर पब्लिक सब्सक्राइब शेयर को नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, वो आपके शेयर को स्वयं ले लेगी, उसी के अगेंस्ट में आपसे एक्स्ट्रा कमीशन लेती है आपके शेयर को बेचवाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं वही पर्सन क्या कहलाता है हमारा, वो जो पर्सन होता है वो पर्सन अंडरराइटर कहलाता है, उसको जो कमीशन मिलता है उसको अंडरराइटर कमीशन कहलाते हैं। तो कंपनी के लिए अंडरराइटर कमीशन क्या, एक्सपेंस, और किसको देना है, अंडरराइटर को देना है, तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है और टू अंडरराइटर, हम लोग यहाँ कर देंगे बीइंग अंडरराइटर कमीशन ड्यू, ये करेंगे। फिर उसके बाद बेटा इसको भी हम लोग शेयर प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं और एड पार पे इश्यू कर सकते हैं, और यही दोनों सिस्टम हो सकते हैं, सेम वही चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा इस तरीके से आज हमारा अदर देन कैश भी फाइनली समाप्त हुआ। अब हम लोग बेटा सबसे बड़े अच्छे पॉइंट में एंट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए, हम लोग उसमें फॉर फ्यूचर्स की बात करेंगे, ठीक है बेटा। आज हम लोग बस इतना ही करते बेटा, हम लोग चलते, आप हमारे चैनल्स को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन दबाना बेटा आप लोग कभी ना भूले। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पुराने वीडियो के लिंक दिए गए, उन वीडियो के लिंक भी आप लोग देख रहे बेटा। तो हम लोग चलते बेटा, बाय बाय।